स्टार्ट कर। अरे तू ही। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आ चुके हैं बरवरी गोट फार्म पे। मिलते हैं इस फार्म के को ओनर से सोहेल भाई से। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सोहेल भाई क्या देखेंगे आज हम? बरवरी बकरी दिखाएंगे आपको। कितने पीस होंगे आज? अभी 40 पीस है मेरे पास। तो सबसे पहले आप ये बताइए रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा है माशाल्लाह। कहाँ के चैनल के माध्यम से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी के लिए जानवर कहाँ के लिए आप डाल रहे हैं? कलकत्ते के लिए डाल रहे हैं। अच्छा तो दिखाइए। और एक दो दिन में और भी लॉट है कोई के लिए? एमपी के लिए। एमपी में कहाँ के लिए डालेंगे आप? खंडवा के लिए। एमपी में खंडवा। खंडवा ठीक है ना? बाहर आने दीजिए। दिखाइए माशाल्लाह। ये सारी बकरी लोडेड है हमारी। अच्छा ये लोडेड है तो ये मतलब आप ज़्यादातर वीडियो में ये लॉट दिखाते हैं, इसमें से भी सेल करते हैं या कर देंगे कोई भाई लेना चाहे तो दे देंगे? इसका प्राइस क्या रहेगा? जैसे इस बकरी का प्राइस है रेंज में रहेगा क्या रेट रहेगा? 15 से 20 की रेंज। 15 से 20 की रेंज में रहेगा। तो इस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस लॉट को सेल कर दें अगर कोई लेने वाला हो। हाँ कोई लेने वाला बंदा होगा अगर वो उसे पसंद आ गया तो दे देंगे। और इस क्वालिटी की बकरी कोई चाहे ज़्यादा लॉट में चाहे बल्क में 20 से 2500 उसको प्रोवाइड करा देंगे। प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा तो अभी ये चारे में हरे चारे में क्या दे रहे हैं आपने? पीपल दे रहे हैं इनको। पीपल दे रहे हैं हरे चारे में। और सुबह में क्या देते हैं डाइट में? सुबह के डाइट में दाना देते हैं। दाना देते हैं मक्का चुनी चौकड़। अच्छा तो गेहूँ मिक्स करके देते हैं उनको। अच्छा और कोई भाई अगर हमारा कोई भाई चाहे ट्रेन से एक दो पीस लेना उसके लिए सुविधा क्या रहेगी? उनके लिए भी सुविधा ये रहेगी करा देंगे हम उनको। हाँ तो ट्रेन और ज़्यादातर अभी आपने जो सेल पीस सेल किए वो ट्रेन ट्रांसपोर्ट किस तरह से किए हैं? ट्रेन से ही डालेंगे सब? हाँ ट्रेन से ही डालेंगे। अभी तक सारे ट्रेन से डाले हैं। हाँ। अच्छा तो हमारा ज़्यादातर सोहेल भाई का हम एक दो पीस का ज़्यादा काम है ट्रेन से। जी जी। और कोई ज़्यादा लेना चाहे वो भी आप दे देंगे? हाँ वो भी ट्रांसपोर्ट करा देंगे। और कोई ब्रीडर लेना चाहे इस क्वालिटी का वो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। सेम क्वालिटी का मिल जाएगा? सेम क्वालिटी का। जी सेम क्वालिटी का दे देंगे। तो इसका प्राइस लगभग कितना आएगा फोन में बताएंगे भाई? अच्छा और कोई भाई लेना चाहे ज़्यादा बकरियाँ या बच्चे लेना चाहे जैसे इधर बच्चे देख रहे हैं हम तो बच्चे आप प्रोवाइड करा देंगे? करा देंगे बच्चे। ये बच्चे इस क्वालिटी में 3 से 4 महीने कितना रुपए का आएगा बच्चा? 3 से 4 महीने का बच्चा आएगा 7000 रुपये का। अच्छा ही बच्चा आएगा एकदम प्योर क्वालिटी का। प्योर क्वालिटी का 7000 रुपये का आएगा? हाँ 7000। अच्छा और ये बच्चा मेल है? ये हाँ ये मेल है। ये कितने का पड़ जाएगा? 5 महीने का है। ये कितने का पड़ जाएगा? दे देंगे आपको 7000 का दे देंगे। 7000 रुपये का। और कोई मेंढे लेना चाहिए या दुम्बे वो मिल जाएंगे? हाँ सब सब दे देंगे सब प्रोवाइड करा देंगे। ये मेंढे कौन से? मुजफ्फरनगरी है? मुजफ्फरनगरी है। लंबी दुम वाले हैं? हाँ लंबे दुम वाले दे देंगे जी। तो ये हमारे सोहेल भाई हैं बरवरी गोट फार्म के को ओनर हैं। कोई भाई आना चाहे इसका एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश मथुरा और मेरा फार्म है बरवरी गोट फार्म मेरे फार्म का नाम। और मेरा फार्म है मथुरा से 20 किलोमीटर फारा गाँव। और ट्रेन से जाकर ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो वैक्सीनेशन वगैरह तो प्रॉपर लगा रखे होंगे? हाँ प्रॉपर लगाए हुए हैं। अच्छा तो ये अपना ब्रीडिंग फार्म है ये? हाँ ब्रीडिंग। ये फार्म कब से चल रहा है इस जगह पर? इसको हो गया 10 साल हो गया भाई। 10 साल हो गया। और आप कब से कहाँ इस फील्ड में हैं? मुझे हो गया 12 साल इस फील्ड में। हाँ तो क्या आप 10-12 साल की उम्र से कर रहे हैं? बचपन से ही कर रहे हैं। छोटी छोटी उम्र से ही आप लग गए तो शौक था आपको क्या था? हाँ शौक में कर रहे हैं। ये फीमेल लोडेड है? हाँ लोडेड है। तो चलिए उस वाले बारे में चलते हैं। माशाल्लाह से कोई भी भाई आना चाहे ट्रेन से एक दो पीस अवेलेबल तो उसका प्रोसेस क्या रहता है ट्रेन से लेने का? आपका आधार कार्ड का एड्रेस होना चाहिए उसमें। अच्छा आधार कार्ड चाहिए? आधार कार्ड के जरिए आप भेज देंगे? हाँ भेज देंगे। और जो आपका रेलवे स्टेशन है कौन सा पड़ता है पास में? मथुरा पड़ता है। और आगरा भी पास में है ना? हाँ आगरा 30 किलोमीटर है हमारे फरेज। और मथुरा 25 किलोमीटर मथुरा। तो कोई भाई आना चाहे वो आ सकता है विजिट कर सकता है। मोस्ट वेलकम है आपके। ठीक है सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके।